Hi, everybody, and welcome to the first episode of Deep Dialogue with Akash Deep. चलिए आज शुरू करते हैं with the current flavor of the season, Big Boss 13. टेढ़ा है, तेरा है. इन पूरे 13 सालों में मैंने शायद ही कोई ऐसा एपिसोड है जो मिस किया हो. From season 1, Bachchan Saab downwards, right down to 13, which for the last decade Salman has been presenting in his own super style. Not only is the Weekend Kawar awaited, this year every episode has been awaited. They've done away with Common Men and they've bought in television celebrities. Ekad Bhau and Shehnaz Gill, Himanshi aise hain jo television celebrities nahi hain. Baki sab kafi known hain. Aur isiliye competition tagda tha. 13 saalon mein log samajh gaye hain ki andar hota kya hai. And they come prepared. They realize that fighting is going to get them footage, and that is what the show is all about. Because 24 घंटे में से compile करके सिर्फ एक घंटे का episode बनता है, तो उसमें से high points ही दिखाए जाएंगे. तो उस high point का हिस्सा बनने के लिए सबकी कोशिश होती है. Camps बनते हैं, groups बनते हैं, बेमतलब की बातों पे झगड़ा होता है. And somehow we, as viewers, like this voyeurism, you know, other people's lives are very interesting for us. So, this year, I must say that it is all about Siddharth Shukla. You like him or you hate him. Big Boss 13 is all about Siddharth Shukla. Wo hai, to show hai. वो जो करता है उस पर बाकी सारे टूट पड़ते हैं. और क्यों, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि दे ऑल नो दैट ही इज द लीडर ऑफ द पैक. एंड लीडर ऑफ द पैक नॉट इन एज इन द हाउस. एवरीवन नोज दैट दिस गाय इज गेटिंग मैक्सिमम टीआरपी. जितनी भी ट्वीट्स हो रही हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया पे फीडबैक सुनो, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, वो सिद्धार्थ, शहनाज पंजाब की कैटरीना कैफ और पारस को कहते हैं कि यार यू गाइज आर वेरी गुड, बहुत पॉपुलर हो तुम लोग बाहर. एंड अगर आप मेरे से राय पूछेंगे, मेरे हिसाब से ये 3 फाइनलिस्ट होंगे. इस वीक विकास गुप्ता हैज एंटर्ड द हाउस. मास्टर माइंड कहते थे उसको, बट आई वुड पुट हिम 5th इफ यू आस्क मी टॉप 5. Siddharth, Shehnaz, Paras, Asim, and then maybe Vikas. It's too early. अभी उसे खुलना है. Asim की एक drawback है कि वो बहुत ज्यादा लड़ता है, बहुत पीछे पड़ जाता है. और काश कोई अंदर जाके उसे ये समझाए, ये गलतफहमी दूर करे कि Asim, fighting is not going to make you win Big Boss. Somewhere, you have to show your true quality, genuineness. Look at past winners. Shilpa, Vindu Dara Singh, Manveer Gujjar, absolute son of the soil. Purity, genuineness, human nature, such a nice emotional person. These qualities eventually connect, not fights. Fights can give you footage. Fight से आप थोड़ा feature हो जाओगे, लेकिन feature होने से मुझे मौका मिलता है कि मैं आप पे comment करूं. आसिम लड़के footage तो ले लेता है episode में, but नतीजा हम show खत्म होने का tweet करते हैं, आसिम is so horrible, throw आसिम out. खामखा. So one has to be careful. In this matter, I felt that Siddharth, yes, people say he gets aggressive, he does, but I have never seen Siddharth sitting and doing आओ बहन चुगली करें. आप उसे उंगली करोगे, आप उसे रॉन्ग चीजों के लिए ब्लेम करोगे, तो वो पीछे पड़ेगा. और तब जब वो पीछे पड़ता है, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है. ही एडमिट्स इट, ही सेज दैट इज हिम.
आई थिंक इस महीने वी हैव सीन 30-40% वाटरिंग डाउन ऑफ सिद्धार्थ. आप और से नोटिस करो, जिस एग्रेशन से उसने शो स्टार्ट किया था या पारस ने स्टार्ट किया था वो कम हो गया है. और सबसे नोटिस करने वाली बात ये है दैट पारस एंड सिद्धार्थ हैव बिकम फ्रेंड्स एंड दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन. टू ऐड टू इट इज द तड़का ऑफ शहनाज. अब शी हैज बोथ ऑफ देम. वो फ्लिप कहाँ करेगी, दोनों उसके साथ है, दोनों को वो लाइक करती है. इसीलिए दिस ट्रायो का इज द मोस्ट अनबीटेबल ग्रुप और ये तीन बाकी 10 से टक्कर ले सकते हैं. इनके साथ अभी जुड़ गई है माहिरा, जो शुरू के पहले महीने में वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट्स थी. मसला मसला पापा 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 सब कहते थे, सही था, वो अपनी फुटिंग नहीं ले पा रही थी. बट नाउ शीज कम अ लॉन्ग वे एंड अमंगस्ट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु वी आर सीइंग गिर रहे हैं, जैसे स्टार्ट किया और जहां आज है गिर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस. लाइक शेफाली जरीवाला, फर्स्ट टू वीक्स शॉकिंग सरप्राइजिंग, हम सब हैरान हो गए, हमें लगा आई है क्या है यार क्या करेगी. बट पहले दो हफ्ते इतनी करेक्ट थी, इतनी अच्छी थी एज अ कैप्टन एज अ टीम प्लेयर. जैसे ही दो तीन हफ्ते गए उसने कैप्टनसी में चीटिंग की, हिमांशी को रॉन्ग कैप्टन बना दिया सिद्धार्थ के अगेंस्ट, हर बात में बोलने लग गई. रश्मि जो बैठ के सबको पीछे से उकसाती है उसकी बातों में आने लग गई, फ्रंट करके लड़ने लग गई, तो शी फेल. बट माहिरा ग्रू फ्रॉम अ पर्सन टोटली लॉस्ट, शी ग्रू. वन प्लेयर जो पहले भी लॉस्ट थी अभी भी लॉस्ट है मेरे हिसाब से, वो है आरती. बची सिर्फ एक रीजन के लिए कि वो किसी कैंप में नहीं है, अकेली लड़ रही है. हाँ, ये जरूर जाहिर होता है कि शी इज टिल्टेड टुवर्ड्स सिद्धार्थ. वो इंडिविजुअली हर बात पे स्टैंड लेती है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बेमतलब फटे में टांग अड़ाती है. एंड बट एन आई गेस शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट इफ आई डोंट डू ऑल दिस सिंस आई एम इन नाइदर ग्रुप आई विल बी लॉस्ट इन द एपिसोड. ये सब एक्टर्स हैं, ये जानते हैं. This show is not about acting, unfortunately. This show is about how you can be yourself over 3-4 months in a new place, नए लोगों के साथ, पेट भर और टेस्ट वाला खाना नहीं मिलता, टास्क्स मिलते हैं, आराम से ज्यादा सोने नहीं मिलता, हर वो चीज की जाती है जिससे आप क्रैक हो इन द प्रेशर. और उस सारे के बीच में टू रिमेन टू बी yourself is the most difficult part. अब यह है कि इतने महीनों में आदमी अगर एक नकाब डाल रहा है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वो ज्यादा देर नहीं चलता. भाव की बात ले लीजिए, अब वो एक ट्वीट करने वाला बंदा, नॉन टेलीविजन एक्टर, नॉन सेलिब्रिटी, बट अपने एक स्पेस में पॉपुलर था, संजू बाबा ये वो की का फैन, तो आया शो में एंड सबको लगा कि ये एक होगा बंदा जो पिन मार मार के सब चीज को एक लेवल पे लाएगा. बट भाव अंदर आके ठंडे हो गए. बीच बीच में दो दो तीन तीन हफ्ते तो कुछ नहीं बोलते, बीमार होने की शायद एक्टिंग करते हैं. वी विल नेवर नो, सो इट्स रॉन्ग टू बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट. बट मैं सो रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, कोई स्टैंड नहीं लेते, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते. और एक अब एक नई बीमारी हो गई है उनको कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. अरे मेरे भाई भाऊ, इस घर में लोग एक दूसरे की इज्जत उतारने आए हैं, एक 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 करके सबको यहाँ से भगाने आए हैं ताकि वो शो जीते. ये रिस्पेक्ट करने वाली बात क्या से कहाँ से आ गई? और आप कौन से पप्पा हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे? आप कौन सा रिस्पेक्ट करते हो? जब आप अकेले में होते हो आप भी तो सबके बारे में बुरा बोलते हो, चुगली करते हो. तो ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं भाई शहनाज भाई भाई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करती, भाई क्या क्या व्हाट रिस्पेक्ट यू वांट. और आसिम माहिरा, नाउ लेट्स कम टू माय फेवरेट बैशिंग कपल, अरहान एंड रश्मि. अरहान मुझे हर एंगल से फेक लगता है, इज नॉट अ गुड प्लेयर. और वो इस शो में दोबारा आना डिजर्व नहीं करता.
जाहिर सी बात है, ही इज टोल्ड द चैनल दैट ही विल गो इन एंड प्रपोज टू रश्मि एंड दैट बिकम्स सेंसेशनल, दैट बिकम्स अ टीआरपी जनरेटिंग टूल, सो ही वॉज अलाउड इन साइड. अब इस बार जब वो अंदर आया तो सलमान भाई ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसकी हिडन पास्ट को इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर दिया. एंड आई से इंटरनेशनल बिकॉज द वर्ल्ड वॉचेस बिग बॉस. आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी हु इज सीइंग अनदर वुमन शुड हाइड फ्रॉम अ सच एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट I have a child from my earlier marriage. I'm shocked that Rashmi has just let that pass. I will take some time to judge whether Rashmi is so evolved that she can let that go, or will that come in the way. Kal hi humne dekha ke Shefali Bagga ko Arhan, shayad with a good motive, not a bad motive. बट ये कहना कि ये तो सड़क पे आ गई थी, ये तो ज़ीरो हो गई थी, ये तो ख़त्म हो चुकी थी, इसका बैंक बैलेंस ज़ीरो था, आज ये जहाँ है उसे मैं लेके आया हूँ. आई मीन यू आर टेलिंग ऑल दिस टू शेफाली बग्गा. वो क्या वो कोई फूफी लगती है रश्मि की, फैमिली मेम्बर है? इस तरह की बातें आप कर रहे हो ये जान के कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैमरा ये कैप्चर करेगा? आपने क्या इज्जत रखी रश्मि की? In spite of wanting to be positive in what you are saying, but positive for what? अपनी लाल करने ना, कि वो तो जीरो हो गई थी, उसका बैंक अकाउंट जीरो था, वो तो सड़क पे आ गई थी, वो तो सब कुछ खत्म हो गया था, आज वो जहां है मेरी वजह से, मैं लेके आया हूं, और अगर मैं ये शो जीतता हूं तो मैं ट्रॉफी बोलूंगा रश्मि को मिलनी चाहिए बिकॉज शी डिजर्व इट. अरे मेरे भाई, व्यूअर्स को बोलने दो, तुम तो घर के अंदर रहने के लायक नहीं हो अरान. और रश्मि बिग बॉस 13 जीतेगी, बहुत बड़ा फ्रॉड होगा अगर जीतेगी. रश्मि चीटिंग करती है, रश्मि बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग करती है, रश्मि हरेक के बारे में बिच करती है, और जब वीकेंड आता है वो रोती है. अब सोचिए इस वीकेंड के बारे में, व्हाट डिड शी डू? शी वाज गिवन सो मच फुटेज बाय सलमान बिकॉज शी हैड थ्रेटन्ड टू वॉक आउट ऑफ द शो. सो सलमान आस्क्ड हर, हाँ बताओ क्या है? एंड शी सेड, सर हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने वो लग्जरी बजट खाया और चीटिंग किया, बट हाउ कैन सिद्धार्थ कॉल मी अ चीटर? अरे तुम कहती हो कि तुमने चीट किया, तुम्हारे और विशाल की चीटिंग की वजह से उस सारे ग्रुप का लग्जरी खाना जब्त हो गया, घर का राशन बंद हो गया, और अगर वो लोग तुम्हें चीटर कहते हैं तो तुम कहती हो कि आई हैव नॉट बीन ब्रॉट अप लाइक दिस, हाउ कैन दे टॉक टू मी लाइक दिस. अरे हैव यू बीन ब्रॉट अप टू चीट? तुम चीट करती हो और उसके बाद तुमको चीटर बोलते हैं, तो तुम वीकेंड में रोती हो और इस बात का मुद्दा बनाती हो. कितनी बात करती है रश्मि, पक 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 पक. सलमान भी इस बात का मजाक उड़ाता है, बंद करो यार, बंद करो, बस 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 बस. शी हैज नथिंग नाइस टू से अबाउट एनीवन. शी टारगेट्स सिद्धार्थ व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस. अभी सडनली बीच में ठीक हो गई थी जब दोबारा इविक्ट होने के बाद आई, अब अरहान के आने के बाद उसे फिर हवा मिल गई. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ. आई मीन इज दिस द रियल रश्मि? शी इज अ बिग स्टार ऑन टेलीविजन एंड वन एक्सपेक्टेड के वो इस दौरान जब वो अपना रूप दिखाएगी तो अंदर से एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, बट वो नहीं निकल के आ रही, वो बिल्कुल नहीं निकल के आ रही. शेफाली बग्गा की बात करते, उसे दोबारा भेजा गया. मुझे समझ में आता है कि डेवलीना और रश्मि मिश्रा, अगेन रश्मि के मिस्टेक की वजह से शेफाली बग्गा, रश्मि और डेवलीना आउट हो गए थे. वो जो उन्होंने एक टास्क में रॉन्ग कैलकुलेशन किया तो बग्गा को वापस भेजा, बट आने के बाद वो कर क्या रही है? अभी तक वो प्लेयर नहीं बन पाई, वो खुल नहीं पाई. दो चार बार जो उसने बात की वो सबको रॉन्ग और राइट समझा रही है. अरे भाई शेफाली, पहले तुम खेलना तो शुरू करो, तुमको बतौर टीचर थोड़ी भेजा गया है. Himanshi had begun to improve, but unfortunately evicted. अब बचे कौन? विशाल. विशाल अच्छा प्लेयर है बट erratic है, consistent नहीं है. You know, अगर आप कहोगे कि पारस बॉर्डर पे रहता है हमेशा, पागलपन करता है, तो वो शुरू से आज तक यही करते आए हैं.
सिद्धार्थ को इतनी सी गलत बात आप बोल दो, सिद्धार्थ भड़क जाता है, चिल्लाता है, ठीक है, करेक्ट कह रहे हो, लेकिन आज तक यही कर रहा है। विशाल का समझ में नहीं आ रहा, ना हमको ये समझ में आ रहा है कि वो कौन से कैंप में है, ना वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट थिंग्स डज ही स्टैंड फॉर एंड नॉट स्टैंड फॉर। ही इज नॉट हाईली अग्रेसिव बट ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। हिज गर्लफ्रेंड मधुरिमा तुल्ली वाज सेंट इन द हाउस, बिलीव मी आई हैव नॉट सीन अ मोर बोरिंग कैंडिडेट। कुछ नहीं किया उसने हफ्ता 10 दिन, जैसे नॉमिनेट हुई और एक चांस मिला तो उसने एक घंटे का जो टास्क दिया गया टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ नॉमिनेशन, इतनी ज्यादा बात की, इतना गंध मचाया विद विशाल, और फिर उसके बाद सॉरी कहा, फिर उसे आई लव यू कहा, और कल रात के एपिसोड में तो ये दिख रहा है कि ये एक नई लव स्टोरी शुरू हो रही है, और जान के कर रहे हैं ये लोग। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टे इन द हाउस। अगर ये नहीं करेगी तो जो इस हफ्ते नॉमिनेटेड लोग हैं उसमें से मधुरिमा बाहर जाती। अब मधुरिमा बिकॉज शी हैज स्टार्टेड अ लव अफेयर विद विशाल, उनका था पास तो वापस से शुरू हुआ, अब लगता है कि ये वीक भाऊ जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज तो कहीं नहीं जा रहे। सिडनाज की जोड़ी कमाल की जोड़ी है। शहनाज के बारे में मैं समअप करने से पहले ये कहूंगा कि शी इज द सरप्राइज पैकेट ऑफ बिग बॉस 13। यार वो सबसे छोटी सेलिब्रिटी है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि उसने सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो किया है या शायद एक गाना गाया है। ये लोग सब महारथी टीवी के सास बहू के दो दो चार चार साल चलने वाले स्टार्स हैं, लेकिन शहनाज जो एंटरटेनमेंट देती है घर में, शहनाज किसी के साथ भी स्टैंड ले लेती है, शहनाज जो वार्म है, जो एक पर्सनैलिटी है नेचुरल, शी इज ब्रिलियंट। लेट मी वाइंड अप बाई सेइंग दैट बिग बॉस 13 फाइनल्स, डिलेड फाइनल्स, 2 महीने लेट इस बार, आई सी सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, आसिम, रश्मि, बिकॉज आई फील द चैनल इज पुशिंग अप। I feel, I see these 5 with Vikas capable of one upset here and there on that last day in the house. I clearly see Siddharth, Shehnaz and Paras in the top 3. We will keep coming to you on this YouTube channel, which by the way, Deep Dialogue, subscribe, stay tuned. Get updates on various videos that we shall be releasing, mainly talking about something serious in politics, sports, or of course, media and entertainment, which we call showbiz. There will be regular updates by me on these. I hope you'll follow. I hope you'll like, subscribe, send your views. You can start a dialogue and let me know whether you all felt that my judgment, my analysis was right, wrong, whatever. It's a small, humble start. It's the beginning. I thought that Big Boss 13 is very popular, and I'm also doing this as the opening video because main khud ek Big Boss addict hoon. Special mention before I wind up to Salman. I love the way he conducts the weekends. Look at Salman, he's a case study in Big Boss. Salman comes across as the person that he is. People like me are fortunate that we've known him personally. And this is what he is. I think in life, if you portray what you are, if you don't try to be somebody else, all battles, not just Big Boss 13, all battles become easier. So until next time, take care, have fun, stay tuned with news, with sports, with television, with films, and I'll keep coming back to you with what I feel, with what can be my take, with what is my opinion on the newsmakers of the week. Until then, bye-bye, enjoy yourself, Aao Ben, Chugli Kar.